फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ग्राम अकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर ईशान सक्सेना, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और गो टू स्टेटमेंट के बारे में। इनका कहां कहां पे किस तरीके से यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो ना ही कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पर। जब मैंने आपको स्विच पढ़ाया था, जब स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी, जब स्विच कंट्रोल फ्लो पढ़ाया था, तो आपको मैंने वहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी, और तब मैंने आपको कहा था कि अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में ही देखने जा रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली करती क्या है? तो ब्रेक स्टेटमेंट, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेक एक कीवर्ड है सी शार्प लैंग्वेज का, जो कि किसी भी लूप को ब्रेक करके उसके बाहर आने के काम में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक फॉर लूप ले रखा है, इसमें मैंने कुछ कंडीशन दे रखी है। मैं अभी कंडीशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझने में आसानी रहे और हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो। इसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद मैंने इसमें एक कंडीशन चेक करी हुई है इफ़ के थ्रू, और इनसाइड द इफ़ ब्लॉक मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी ये लूप चलेगा, लगातार ये कंडीशन हर आइट्रेशन पे चेक होगी। हर बार जितनी बार ये लूप चलेगा, ये कंडीशन चेक होगी। जैसे ही इसके अंदर की ये कंडीशन, जो मैंने इस कोड ब्लॉक यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर दे रखी होगी, वो ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दे रखा है आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जैसे ही आई ज़ीरो से ग्रेटर हो जाता है, ये तुरंत ही ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही जो प्रोग्राम फ्लो होगा, वो फॉर लूप को तुरंत ही ब्रेक करके इसके बाहर, इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग किस तरीके से होती है। इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहले से प्रोग्राम आपके लिए बना रखा है, जिसका मैंने नाम दे रखा है ब्रेक डेमो। इसमें मेन फंक्शन में मैंने एक फॉर लूप चलाया है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर ही इंट आई डिक्लेयर कर दिया है। ये टोटली वैलिड है, आप फॉर लूप के अंदर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये मैंने लूप चलाया है फ्रॉम -10 to +10। अंदर मैंने कंडीशन चेक करी है इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आई जैसे ही ज़ीरो से ग्रेटर हो जाएगा, यानी आई जैसे ही वन हो जाएगा, तुरंत ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी। और उसके आउटसाइड दी इफ़ ब्लॉक आप देख सकते हैं, इफ़ के बाद खाली एक ही स्टेटमेंट है, और इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करा है। अगर हम लोगों को एक किसी भी लूप के अंदर खाली एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो हम कर्ली ब्रेसेस मिस कर सकते हैं। जो सेकेंड लाइन होती है वो अपने आप ही उस लूप के कोड ब्लॉक के अंदर मानी जाती है। मगर अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन लिखनी है, तो आपके लिए कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे खाली एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए। देन आफ्टर मैंने बाहर एक राइट फंक्शन लिखा हुआ है, जो कि आई की वैल्यू लगातार प्रिंट कर रहा है, और उसके सारे लूप के बाहर, यानी फॉर लूप के बाहर मैंने एक राइट स्टेटमेंट फिर से लिखा हुआ है, जिस पर मैंने लिखा हुआ है डन। तो आइए इसको रन करते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ, ऊपर नेविगेशन बार में CMD टाइप करता हूँ। CMD यहाँ पे मेरा खुल चुका है। मैं इस प्रोग्राम को पहले ही कंपाइल करा चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। ब्रेक डेमो के नाम से ये प्रोग्राम सेव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो आया, प्रोग्राम के साथ में देखते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट आया वो -10 -9। तो यहाँ पे क्या होता गया, -10 से था, एक एक करके आई इंक्रीमेंट होता गया, तो आई बढ़ता गया और ये ज़ीरो तक आया। जैसे ही आई की ज़ीरो यहाँ पे प्रिंट हो गया, जैसे ही फिर दोबारा ये आइट्रेशन पे गया, आई की वैल्यू वन हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई। ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होते ही ये फॉर लूप को तोड़ करके, फॉर लूप को ब्रेक करके प्रोग्राम फ्लो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, जो फॉर लूप के बाद है, यानी डन लिखने के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डन लिख करके आ गया। तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। ये एक्चुअली किसी भी लूप को, अधिकतर इनफाइनाइट लूप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो किसी भी लूप को ब्रेक करके बाहर आने के काम में आता है। अब इसमें एक पॉइंट जो आपके लिए मेन है, जो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, सबको मैं पहले मैं रेज कर देता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप ले रखा है, इसमें सम कंडीशन, सम आइट्रेशन, कुछ भी ले रखा है मैंने। इसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप ले रखा है, इसके अंदर भी कुछ भी आइट्रेशन, कुछ भी कंडीशन ले रखी है, और ये दोनों लूप के मैंने कोड ब्लॉक बंद कर दिए। यहाँ पे अंदर वाले फॉर लूप के अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट दे रखी है। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये अपने जस्ट आउटर वाले लूप को, यानी इस फॉर लूप को ब्रेक करने के काम में आएगी। इस फॉर लूप पे इसका कोई भी असर नहीं होगा, ये फॉर लूप वैसे का वैसे ही आइटरेट होगा। ये सिर्फ जो अंदर वाला फॉर लूप है, यानी जो ब्रेक स्टेटमेंट के जस्ट आउटर वाला जो लूप, उसको ब्रेक करके बाहर आने के काम में आएगी। ये ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग डू वाइल और
फॉर लूप और साथ ही स्विच के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो चार लूप हैं जिनके साथ में फॉर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। एक और लूप है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे फॉर ईच लूप, तो इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है, मगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लूप है और थोड़ा एडवांस लूप है। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग पहले के क्लियर करेंगे, देन आफ्टर इस पर जंप करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपको प्रोग्राम फ्लो आ गया समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब आपने जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था वो किस लिए यूज़ होता है, किसी भी फॉर लूप को ब्रेक करके उसके बाहर आने के लिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है किसी फॉर लूप में, जो उसके आगे की जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो स्किप कर जाती है और प्रोग्राम तुरंत ही वैल्यू इंक्रीमेंट करके और जो फॉर लूप का जो अंदर फॉर लूप के कोड ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। एक बार मैं आपको इसको लिख करके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आई लेसर देन जीरो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन लिख रखा है। एक बार इसको मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि एक कंडीशन थोड़ी सी गड़ आपको शायद समझ में ना आए। तो मैंने आई लेसर देन टेन कर रखा है और आई प्लस प्लस कर रखा है। अंदर मैंने एक इफ़ कंडीशन चेक करी है, फॉर एग्जाम्पल आई इज़ ग्रेटर देन फाइव, और यहाँ पे मैंने आगे स्टेटमेंट लिख रखी है कंटिन्यू, और इसके कोड इसके कोड ब्लॉक के बाहर मैंने एक राइट स्टेटमेंट दे रखी है। मैं पूरा कंसोल डॉट राइट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तो वो तो अंडरस्टूड है इस समय, और यहाँ पे मैंने आई की जस्ट वैल्यू प्रिंट करा रखी है, ये नहीं आएंगे। तो अब ये क्या कर देगा, बेसिकली आई की वैल्यू वन हुई, ये कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं एनकाउंटर होगा, आई की वैल्यू राइट हो गई, यानी अब स्क्रीन पर लिख के आ गया वन। सिमिलर चीज़ हुई टू के साथ, फिर थ्री के साथ, फिर फोर के साथ, फिर फाइव के साथ भी हुई। उसके बाद जैसी ये कंडीशन सिक्स के साथ हुई, सिक्स में अंदर हम लोग आए कंटिन्यू स्टेट, यहाँ पे बाहर में एक बार राइट आई और कर देता हूँ, राइट आई, ये किसी वजह से मैंने अभी करा है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये चलती गई, जैसी फाइव हुई आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई इंक्रीमेंट होकर के सिक्स, ये कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई। कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होते ही प्रोग्राम फ्लो सीधा वापस इस जगह पे आएगा, ये लाइंस स्किप कर देगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कंटिन्यू के बाद जितनी भी लाइंस हैं वो सब स्किप कर देगा उस कोड ब्लॉक के अंदर जिस भी में भी इफ कंटिन्यू स्टेटमेंट दे रखा है। तो डायरेक्टली आया आई की वैल्यू हो गई सेवन, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, फिर सीधा यहाँ पे आ गए, फिर एट हो गई, फिर ये कंडीशन ट्रू है, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, फिर सीधा यहाँ पे हो गए नाइन हो गई, फिर अंदर आए ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई, फिर वापस गए आई की वैल्यू 10 हो गई। अब यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग फॉल लूप के बाहर आ गए। फॉल लूप के बाहर आने के बाद हम लोग इस जगह पे आएंगे, इस वाली राइट स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई की वैल्यू जो कि यहाँ पे क्या थी 10। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने प्रोग्राम को फॉल लूप के बाहर नहीं फेंका, फॉल लूप को ही बार बार आगे आइट्रेट करते रहे जब तक जो फॉल लूप की कंडीशन है वो मैट हो रही थी। तो यही तरीका है कंटिन्यू स्टेटमेंट के वर्किंग का, इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने इसमें एक्चुअल में क्या करा हुआ है, एक फॉर लूप चलाया सबसे पहले, उसके अंदर फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगा रखी, इफ के अंदर जो मैंने कंडीशन लगा रखी है कि आई मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर नंबर ऑड है, ये बेसिकली ये कंडीशन इस बात को डिनोट करिए कि अगर नंबर ऑड है तो फिर स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाए, राइट लाइन फंक्शन एनकाउंटर ना हो, लेकिन अगर वो इवन है तो राइट लाइन फंक्शन अनकाउंटर हो जाए, इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो कंटिन्यू में आएगा ही नहीं। इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्टली रन करने जा रहा हूँ आपको आउटपुट दिखाने के लिए, काउंट डेमो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये सारे इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। इनका रीज़न क्या है, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट हर ऑड नंबर पर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गए, इसलिए राइट लाइन फंक्शन एनकाउंटर नहीं हुआ, प्रोग्राम फ्लो तुरंत ही आई को बढ़ाने की तरफ यानी इंक्रीमेंट में चला गया, इंक्रीमेंट कोड बेस जो भी है उसमें चला गया, उसने आई को इंक्रीमेंट करा, फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करी एंड सो ऑन। तो ये तरीका था कि किस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है। इसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक है, ये वीडियो में छोटी रखता हूँ क्योंकि पिछली वाली कई सारी वीडियोस काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा गो टू स्टेटमेंट। अगर आप जावा के प्रोग्रामर हैं तो आपको गो टू थोड़ा नया लगेगा, और अगर आप पहले सी या सी प्लस प्लस इनके प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं तो आपको गो टू काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कवर कर रखा है। आइए देखते हैं गो टू स्टेटमेंट किस तरीके से।
वर्क करता है। सबसे पहले मैं स्कूल फील्ड को साफ कर लेता हूँ। अब देखते हैं गो टू स्टेटमेंट किस तरीके से। तो बेसिकली हम लोग गो टू स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कोड ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीधा एग्जांपल से ही काम करते हैं जिससे आसानी से समझने में आसानी रहे। आगे मेन स्टेटमेंट, ये एक मेन फंक्शन मैंने बना रखा है, इसमें कई सारी स्टेटमेंट है। फिर एक जगह पे मैं एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल नेम, ये कोई भी नेम हो सकता है कीवर्ड को छोड़, क्योंकि कीवर्ड आप जानते हैं कि ये यूज़ नहीं किया सकते। लेबल नेम हमेशा कोलन से टर्मिनेट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर स्टेटमेंट सेमी कोलन से टर्मिनेट करते रहते हैं हम लोग, मगर ये कोलन से टर्मिनेट होता है, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो लेबल नेम नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। तो लेबल नेम, उसके बाद मैंने फिर कुछ स्टेटमेंट लिखी, फिर लास्ट में मैंने गो टू और आगे जो भी लेबल नेम है वो जहाँ पे मुझे जाना है, और अब ये सेमी कोलन से टर्मिनेट होगा क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूशन करेगी, जो कि एग्जीक्यूट होगी। तो अब इसको समझते हैं इसमें किया क्या उन्होंने। उन्होंने पहले कोई स्टेटमेंट यूज़ करी, कुछ स्टेटमेंट जो था एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट करी, उसके बाद उन्होंने एक जगह पे एक नाम दे दिया कि इस नाम को हम लोग बाद में कहीं पे भी रेफरेंस कर सकें। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे ही ये एक्चुअल में किसी भी प्लेस का, प्रोग्राम में किसी भी जगह का, किसी भी कोड ब्लॉक का या किसी भी लाइन का एक नाम होता है। तो एक तरीके से आपने एक लेबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने फिर कुछ उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी, फिर आपने एक गो टू स्टेटमेंट लगा दी और गो टू के आगे वो नाम दे दिया। तो ये बेसिकली क्या तरीका है, ये आपके रन टाइम को बताएगा कि अब आपको कहाँ जाना है। गो टू का मतलब आपके रन टाइम को ये भेजेगा कहाँ पे, जहाँ पे लेबल नेम डिफाइंड है। लेबल नेम कहाँ पे डिफाइंड है, इस जगह पर। तो इस वजह से आपका प्रोग्राम फ्लो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से लगातार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, सारी स्टेटमेंट एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे। फिर जब गो टू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, फिर ये सीधा यहीं पे आ जाएगा। ये एक इनफाइनाइट लूप बना सकता है, तो इसलिए जो अधिकतर प्रोग्रामर्स में या जो आप भी यूज़ करेंगे, आप इसको अधिकतर एक इफ़ कंडीशन के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर गो टू स्टेटमेंट को ले लेते हैं, जिससे आपका इनफाइनाइट लूप बच जाए। इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कि लगातार एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो वो बचाने के लिए आप अधिकतर ऐसा करते हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। इसका प्रोग्राम हम लोग देखेंगे स्विच केस के थ्रू। तो बेसिकली स्विच केस में जो हम लोग ये केस वन, केस टू, केस थ्री लिखते हैं, ये एक्चुअल में एक तरीके की लेबल ही होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सेमी कोलन से नहीं, कोलन से टर्मिनेट होते हैं। तो ये एक्चुअल में एक तरीके के लेबल ही होते हैं। तो इसके साथ में हम लोग गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले आई को वन इनिशलाइज कराया, फिर आई की वैल्यू लेसर देन फाइव, यानी आई जब तक वैल्यू फोर रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। अंदर मैंने स्विच केस के थ्रू इसकी वैल्यू लगातार चेक करी है, वन टू थ्री एंड डिफ़ॉल्ट यानी फोर, क्योंकि आई फोर तक ही चलना है तो डिफ़ॉल्ट का अंदर वैल्यू फोर हो गई। फिर मैंने हर एक के अंदर कुछ स्टेटमेंट लगा रखी है, गो टू केस थ्री, गो टू केस वन, गो टू डिफ़ॉल्ट, और उनके ऊपर एक राइट लाइन लगा रखी है। खाली ये स्विच कब ब्रेक होगा, जब ये डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक राइट लाइन फंक्शन और लगा रखा है, जिससे एक लाइन का गैप आ जाए बस, इसलिए इसका कभी कोई यूज़ नहीं है। इस कमेंट वाली लाइन को अभी हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, अभी पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, उसके बाद इस कमेंट वाली लाइन को स्टडी करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करने जाता हूँ। मैं जब रन करा तो आप देख सकते हैं लिख के आया आई इज़ टू। तो बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है, एक सेकेंड, मैंने गलत प्रोग्राम रन कर दिया। ये स्विच डेमो का प्रोग्राम है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने इस फाइल को सेव कर रखा है स्विच गो टू के नाम से। तो सिर्फ छोटू, अब आप देख सकते हैं जब आई की वैल्यू वन थी तो केस वन एनकाउंटर हुआ। केस वन में इसने सबसे पहले राइट करा इन केस वन, तो इन केस वन लिख के आ गया। फिर गो टू केस थ्री, केस थ्री में आ गया, या इसने फिर राइट लाइन फंक्शन के थ्रू इन केस थ्री राइट करा इन केस थ्री। फिर नीचे लिखा हुआ है गो टू डिफॉल्ट, तो यानी कहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे लेबल डिफॉल्ट मेंशन है, लेबल डिफॉल्ट जाए इसके नीचे ही है। तो यहाँ पे उन्होंने राइट लाइन फंक्शन फिर से इन डिफॉल्ट लिखा और ब्रेक करके बाहर आ गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ने फॉर लूप को नहीं, खाली स्विच को ब्रेक करा। तो बेसिकली जो जस्ट आउटर वाला लूप है, खाली उसको ब्रेक करा और किसी चीज़ को नहीं। फिर आई टू पे आ गए, फिर आई टू के साथ में सेम चीज़ हुई, राइट हुआ इन केस टू, फिर केस वन पे आ गए, फिर इन केस वन, फिर गो टू केस थ्री है तो केस थ्री पे आ गए, इन केस थ्री, फिर इन डिफॉल्ट। तो इस तरीके से लगातार ये प्रोग्राम चला चार बार। ये तरीका था कि किस तरीके से आप गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, किस तरीके लेबल को यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग कमेंट वाली लाइन पे। तो ये बेसिकली लाइन आपके लिए मैंने क्यों लिखी हुई है, क्योंकि
ये जो है मैंने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट के थ्रू एक केस पे जाने की कोशिश करी है जो कि एक्चुअली में बाहर डिफाइंड नहीं है, यानी ये लोकल वेरिएबल है स्विच केस का। तो लोकल और वेरिएबल, लोकल के बारे में और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो गो टू केस वन है, एक्चुअल में केस वन लोकल वेरिएबल, लोकल एक तरीके से कह सकते हैं कि कोड है, लोकल लेबल है स्विच के अंदर का। तो इसलिए बाहर इसको नहीं हम लोग लिख सकते क्योंकि बाहर ही एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, बाहर ही अवेलेबल है ही नहीं। तो इसलिए अब इस प्रोग्राम फाइल को मैं एक बार सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए मैं सबसे पहले तो इसको कंपाइल करूँगा, स्विच गो टू के नाम से फाइल सेव है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है, एरर दे रखा है, अ गो टू केस इज ओनली वैलिड इनसाइड अ स्विच स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये एक तरीका है ये बताने का कि जो ये केस वन है ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर तक ही वैलिड है, बाहर ही अवेलेबल ही नहीं है, बाहर इसका कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि बाहर एक तरीके से लोकल लेबल है स्विच का। तो ये था आज का पूरा हम लोगों का सेशन जिसमें हम लोगों ने कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। कुछ मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट बची हुई है जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम लोग जब क्लासेज मेथड्स ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे क्योंकि वो मेथड में यूज़ होती है। बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन से बाहर आने के काम में आती है या कोई वैल्यू रिटर्न करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी क्लासेस के बारे में सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।